हेलो सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपको अपने कनाडा में फर्स्ट घर का टूर देंगे। वैसे ये घर कल से हमने सेल पर लगा देना है। अगर आपको भी इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने में, तो आप हमारे रियल इस्टेट एजेंट को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर भी होगी और डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कॉमेंट में भी पिन की होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा घर का टूर। ये ओपन गैराज है। यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि इस पे रूफ भी है। जब स्नो पड़ती है तो लाइक हमें कार नहीं, जब भी बाहर जाना होता है तो हमें कार लाइक साफ नहीं करनी पड़ती। अभी हम चलते हैं अंदर। अंगद और अंगद के डैडी भी मेरा वेट कर रहे हैं। अंगद को हम बाहर नहीं लेके आए क्योंकि बहुत ठंड थी। तो सबसे पहले आता है हमारा न्यू डोर बेल भी लगाई है हमने। न्यू वेलकम वेलकम टू होम स्वीट होम। तो आ जाइए अंदर। तो ये घर की एंट्रेंस में मिल जाती है हमें क्लोजेट। कनाडा में यही सी रहता है कि क्लोजेट होती है, यहाँ पे आप अपनी जैकेट्स वगैरह टांग सकते हैं। इस क्लोजेट के अंदर ही शू रैक बना हुआ है, तो आप शूज भी रख सकते हैं। हम अंदर आते हैं और सबसे ही पहले इस तरफ को चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत ही सुंदर किचन है। तो ये है हमारी घर की किचन। ये मेरा फेवरेट पार्ट है किचन का, क्योंकि पहले तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। बैक सप्लैश का काउंटर टॉप देख लीजिए, ये अपने क्लोजेट्स हो गए सब कुछ। और देखिए एक और बात है, बिल्कुल भी खटका नहीं होगा। आपने नई टेक्नोलॉजी लगाई है, बिल्कुल खटका नहीं होता ऐसे ही इसमें है। अगर आप बोल के भी जो सॉफ्ट क्लोजिंग जो ड्रॉर्स हैं और सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉर्स नई टर्म सीखने को मिली यहाँ पे। मैंने भी अभी अभी बनाई है। तो ये हमारी सारी किचन है, हमने नई ही लगवाई थी। इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए जैसे हर एक किचन में होता है, एक स्टोव है, ओवन हो गया हमारा, वहाँ पे व्हाइट कलर की फ्रिज है। तो जैसे कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि आप ग्रे व्हाइट, ये हमारा कॉम्बिनेशन है घर का। देखिए किचन के बारे में वही बोल रहा है जो कुक करते हैं हमेशा घर में। ये नई हमने टूटी भी लगवाई है। देखिए इसमें गर्म पानी ठंडा पानी सब कुछ आता है जैसे होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले एक ही सिंक हुआ करता था, अभी हमने दो लगवाए हैं क्योंकि इसमें इजी रहता है आपको डिशेस वगैरह वॉश करना। और थोड़ी सी डेकोरेशन की है उन्होंने, लाइक जिन्होंने स्टेजिंग की थी, मुझे बहुत ही प्यारी लगी। उससे किचन बहुत ही प्यारी लग रही है। और मुझे स्पेशली ये ब्लाइंड्स भी बहुत अच्छे लगे। और मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, तो यहाँ पे थोड़े से प्लांट्स भी रखे हैं जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। अंकल भी कुछ कहना चाहता है, सुनिए ध्यान से। अब बोलो संगत। तो अगर स्टोरेज की बात करें तो देखिए यहाँ पे स्टोरेज एरिया है और यहाँ पे हमारा बड़ा स्टोरेज एरिया है। और देखिए ये क्लोजेट्स काफी बड़ी है, काफी सामान रखा जा सकता है। वैसे ये चीजें नीचे स्टोरेज बनी हुई है, बाकी काउंटर टॉप भी काफी है। ये हमने किचन एक्सटेंड की है, पहले किचन यहीं पर थी और यहाँ पे फ्रिज आता था, लेकिन हमने स्टोरेज के चक्कर के लिए सारी किचन न्यूली लाइक रेनोवेट की, दोबारा सबको यहाँ पे नया लगा है। और सेम ही हमने जो यहाँ पे फ्रिज थी, अभी वो फ्रिज हमने मूव करके यहाँ पे कर दी है। अब हम बढ़ते हैं अपने डाइनिंग एरिया एंड लिविंग रूम की तरफ। तो किचन के बाद हम एंटर होते हैं डाइनिंग एरिया में। यहाँ पे ये वॉल पे बहुत ही अच्छा मिरर लगा हुआ है। और उसके बाद एक प्यारा सा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा उन्होंने, फोर चेयर्स एंड वन ऑफ द प्रीटीएस्ट प्लांट। और लाइट्स देखिए, हमने दोनों लाइट्स, सारी घर की लाइट्स नहीं लगाई है, ये अमेज़न से ऑर्डर की थी, बहुत ही अच्छी इनकी लाइट है और घर का कलर बहुत ही अच्छा है। अभी हम बढ़ते हैं आगे अपने लिविंग रूम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लिविंग रूम काफी स्पेशियस है और यहाँ पे एक सोफा है और ये टेबल, आप बड़ा सोफा भी लगा सकते हैं। और वहां से जो डोर जाता है वो जाता है बैकयार्ड को। और यहाँ पे बहुत सी सनलाइट भी आती है सुबह के टाइम और शाम के टाइम। और यहाँ पे भी ब्लाइंड्स लगे हैं, आपको अगर ज्यादा सनलाइट चाहिए तो आप बिल्कुल उठा भी सकते हैं। और अगर आपको ये बिल्कुल बंद करनी है तो आप बंद भी कर सकते हैं। और पीछे देखिए जो पीछे वाला एरिया कितना अच्छा है, पीछे अच्छा व्यू है, वहाँ पे स्केटिंग भी बना, आइस स्केटिंग का रिंग बना हुआ है बच्चों के लिए, बच्चे यहाँ पे आइस स्केटिंग करते हैं। और पीछे से सारा कुछ ओपन है, पीछे कोई घर नहीं है और ये पीछे ट्रेल जाती है, ये बहुत ही अच्छे पार्क हो जाती है। सो जैसे आप देख सकते हैं कि पीछे वो है। और अभी हम ब्लाइंड को बंद भी कर सकते हैं, आप इसको हाफ भी ओपन कर सकते हैं। ये ब्लाइंड भी हमने न्यूली इंस्टॉल करवाए हैं। आप देखिए अगर आपको अंधेरा पसंद है, अंधेरा काम करे, तो आप ऐसे रख सकते हैं। जैसे कि मनिंदर को ज्यादा रोशनी पसंद है, मुझे थोड़ी सी लाइक थोड़ी सी पसंद है, ज्यादा नहीं, तो हम इसको ऐसा ओपन कर सकते हैं कि क्लोज भी रहे। रोशनी मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ शर्म पसंद है। देखिए लाइक ये ओपन भी है एंड क्लोज भी है। और उसके बाद ये
आशनी बैठा करती थी पहले, यहाँ पे एक स्टूल लगा हुआ है, ये भी स्टेजिंग वालों ने सेट किया और यहाँ पे लगाया था। डॉक्टर मैन कह रहे हैं और कुछ भी बोल दो। और यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट रखा है और उसके बाद टीवी एंड थोड़े से वहाँ पे डेकोरेशन की चीजें रखी हैं, जैसे कि बुक्स एंड छोटा सा प्लांट है। ये है हमारा प्यारा सा। और ये बुक्स हैं जो, ये भी एक प्रॉप है। अच्छे से वैसे ही रखो बीच जी। ये इंटीरियर डिजाइन भी एक स्कैम है। इंटीरियर डिजाइनिंग एक स्कैम है। पर मुझे बहुत पसंद है। मुझे घर की डेकोरेशन करना बहुत ही पसंद है, ऑर्गेनाइज होना चाहिए सब कुछ। तो ये था घर का मेन लेवल और अभी हम चलते हैं अपर लेवल पे। इस घर के तीन लाइक लेवल हैं, जैसे मेन लेवल और उसके बाद अपर लेवल और बेसमेंट, और उसके बाद ये छोटा सा हॉलवे है। यहाँ पे हमने न्यू थर्मोस्टेट लगवाया है, पहले यहाँ पे बेसिक ही था, ये थोड़ा सा अपग्रेड है। और ये डोर है जो बेसमेंट को नीचे की तरफ जाता है। बेसमेंट का हम बाद में देखेंगे लास्ट में इस ब्लॉग के, और हम अभी सीधा स्टेयरकेस में चलते हैं। देखिए स्टेयरकेस भी हमने पूरा मॉडिफाई करा है, यहाँ पे जो कारपेट है आप देख सकते हैं बिल्कुल नया कारपेट, फर्स्ट क्वालिटी कारपेट लगवाया है। तो और ये चीज भी हमने नहीं लगवाई है, रेलिंग इस पे पेंट वगैरह सारा कुछ लेके, और कलर कॉम्बिनेशन भी देखिए सभी कलर्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं। चलो आ जाओ तो अभी हम ऊपर चलते हैं। तो स्टेयर्स के बाद अपर लेवल पे आती है सबसे पहले ये ग्लास रेलिंग, जो की मुझे बहुत ही प्यारी लगी। पहले यहाँ पे आई थिंक कोई और रेलिंग थी, बेसिक ही थी, पर अभी ये ग्लास की जो रेलिंग है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये घर को काफी मॉडर्न लुक दे रही है, फैंसी लग रही है, तो इसीलिए। और उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा हॉल पे है जो कि बेडरूम को जाता है, तीनों बेडरूम को, जैसे कि यहाँ पे भी काफी स्पेस है, आप यहाँ पे भी जैसे प्लांट वगैरह रख सकते हैं, वॉल पे कुछ लगा सकते हैं, तो मुझे भी ये स्पेस भी मुझे काफी अच्छी लगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे मेन बेडरूम में जो कि सबसे बड़ा है, तो लेट्स कम इन। ओह माय गॉड, यहाँ पे कोई सो रहा है। हु इज दिस अंकल? दिस इज डेरा। देयर यू गो। तो ये है इस घर का मेन बेडरूम, मुझे बहुत ही प्रीटी लगा क्योंकि पहले खाली था, अभी प्रीटी लग रहा है, बेड वगैरह लगने के बाद ऐसा लगेगा, तो इसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पे भी सेम लाइंस है, आपने पहले भी देखा होगा क्लीनिंग वीडियो में। इसको हम बंद कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने न्यू लाइट भी लगवाई है, पहले यहाँ पे ये लाइट नहीं थी। और यहाँ पे पूरे ऊपर वाले पोर्शन में घर में कहीं पे भी लाइट नहीं थी, हमने सारा कुछ नया लगवाया। ये एक ग्लास डोर है जो क्लोजेट को जाता है, ये भी हमने सारा न्यूली इंस्टॉल किया है, सब कुछ डोर लॉक्स डोर और बाकी घर में सारा पेंट किया है। और ये बेड स्टेजिंग वालों का है, इन्होंने सारा कुछ ड्राई क्लीन करके दिया है, हमने बोला था कि सब कुछ ड्राई क्लीन होता है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम एवरी स्टेजिंग सब कुछ वॉश करके देते हैं। हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो बेड पे सो जाते हैं, इसलिए हमें ड्राई क्लीन करना पड़ता है। अभी भी उनको करना पड़ेगा, जब लेके जाएंगे सामान तब भी उनको करना पड़ेगा। अब तो ये पवित्र हो गया ना मैं पढ़ने। और उन्होंने यहाँ पे दो ये नाइट स्टैंड रखे हैं और ये थोड़े से प्लांट वगैरह लैंप, मुझे अच्छा लगा। पहले हमने ये खाली देखा था घर, तो अभी काफी अच्छा लग रहा है कि सामान रखने के बाद इतना ब्यूटीफुल लगेगा। तो उसके बाद ये क्लोजेट है और दैट्स इट। और उसके बाद हम अब मूव होते हैं सेकंड रूम की तरफ। तो ये है इस घर का सेकंड रूम जो कि मेन रूम से थोड़ा सा छोटा है, बट काफी लाइक अच्छा है, जैसे कि आपके बच्चे हैं या दो बंदे तो आराम से रह सकते हैं, बच्चे या फिर कपल। और इसमें भी एक ये आप दिखा सकते हैं क्लोजेट है, इस पे भी मिरर लगा हुआ है और दैट्स इट, सेम ब्लाइंड है और यहाँ पे भी हमने लाइट इंस्टॉल करवाई है। तो इस रूम में इस तरफ से भी लाइक बहुत सी सनलाइट, जैसे कि नेचुरल लाइट आती है, आप इसको खोल सकते हैं, वैसे मैं बंद ही कर देती हूँ अभी तो। और अभी हम मूव होना होते हैं लास्ट रूम की तरफ। ये वाला रूम है वो भी सिमिलर जैसे आपने पहला रूम देखा वैसा ही है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है, एक इंच, मात्र एक इंच का डिफरेंस है। इसमें भी ऐसे एक ग्लास डोर लगा हुआ है क्लोजेट में, ये भी हमने न्यू इंस्टॉल करा है। वेंट्स ब्लाइंड्स एवरीथिंग इज लाइक जो आपने पहले रूम देखा। अभी हम आपको वॉशरूम की तरफ लेके चलते हैं कि वॉशरूम कहाँ का घर का। तो जो मेन वॉशरूम है उसके साइड पे ही पहले एक क्लोजेट आ जाती है, ऐसे लिविंग रूम भी बोल देते हैं। यहाँ पे आप कोई भी अपने गद्दे वगैरह कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ये स्टोरेज एरिया यहाँ पे काफी डीप है, आप काफी सामान रख सकते हो, आप बेडशीट टॉवल वगैरह रख सकते हो यहाँ पे।
और ये आ गया हमारा बहुत ही सुंदर वॉशरूम। यहाँ पे हमने काफी मॉडिफिकेशंस की हैं, जैसे हमने ये वैनिटी बिल्कुल नई इंस्टॉल कराई है, ये सीट है टॉयलेट सीट, ये भी हमने सारी नवी लगवाई है, शावर हेड नया लगवाया है, बल्ब्स एवरीथिंग नए हैं, ये फिक्स्चर्स, और ये हमने ये ग्लास डोर है ये भी हमने बिल्कुल नया लगवाया है। तो ओवरऑल वॉशरूम बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मुझे ये वॉशरूम की सबसे अच्छी चीज ये ग्लास डोर ही लगी। तो अभी अंगद सो गया है और मैंने अभी इसको यहाँ पे लिटा दिया है, और अभी हम जाते हैं बेसमेंट में, आपको बेसमेंट दिखाते हैं। तो ये डोर जाता है बेसमेंट को। तो बेसमेंट में आते ही सबसे पहले आता है फ्रंट पे लॉन्ड्री रूम, और उसके बाद ये छोटा सा वॉशरूम, और ये है वॉशर एंड ड्रायर। ये वॉशर है, ये ड्रायर है, ये हमने न्यू परचेस किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक सिंक है, आप मल्टीपर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको पानी वगैरह यहाँ से मॉप वगैरह लगाना हो, और भी कुछ चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किचन नहीं है, जस्ट एक बेसमेंट एंड लॉन्ड्री एंड वॉशरूम ही है। यहाँ पे है स्टैंडिंग शावर एंड न्यू वैनिटी, और उसके नीचे भी काफ़ी स्पेस है, और उधर है टॉयलेट सीट एंड दैट्स इट। और जो बेसमेंट है वो भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आप अंदर आएंगे तो आपकी राइट साइड आप देखेंगे यहाँ पे फर्नेस रूम है, यहाँ पे सारा जो यहाँ का लाइक एसी हीट जो भी आता है वो सब यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसको तो हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड आप देखेंगे एक स्टोरेज यूनिट है, यहाँ पे पहले ये फ्लोर नहीं था, हमने अभी लगाया है। तो ये एक तरह की ओपन कॉन्सेप्ट बेसमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं रूम से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप इसको लाइक एज अ लाइक थिएटर यूज़ कर सकते हैं खेलने के लिए, और कुछ भी जो भी आप एक्टिविटी करना चाहे, पार्टी वगैरह कुछ भी, बर्थडे सेलिब्रेशन। और यहाँ पे ये थोड़े से पुराने ट्री रखे हुए हैं, ये मेरे पुराने घर में था, मैंने यहाँ पे ला के रख दिया था, और ये भी मेरा ही है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक छोटी सी विंडो है, और ये है इस घर का लाइक इलेक्ट्रिकल पैनल, यहाँ पे सारे स्विचेस वगैरह है, तो क्या देखा नहीं। और उसके बाद दैट्स इट। तो ये है हमारी बेसमेंट, और इसमें पता नहीं क्या है, इसमें भी वही उधर से वही लोग हैं, वाटर हीटर एंड फर्नेस। या सो यहाँ से लाइट बंद होती है, स्विचेस ये कम भी हो जाती है और ज्यादा भी हो जाती है, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। देखो ऐसे ये लाइट है, आप इसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और तो अभी हम तो ये था हमारा आज का व्लॉग घर का। और यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है, जिसका फ्री एक्सेस है हमारी सारी कम्युनिटी को। और अगर लोकेशन बेस पे देखा जाए तो ये घर बहुत ही अच्छा है, बोथ फर्स्ट टाइम बायर के लिए, क्योंकि इसकी जो प्राइस रेंज है फर्स्ट टाइम बायर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। बाकी सारे घर तो देखिए मिलियन क्रॉस कर चुके हैं आजकल, ब्रैम्पटन में 8-9 लाख से स्टार्टिंग हो रही है। और ये इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप सीधा घर खरीद सकते हो और सीधा रेंट पे दे सकते हो, क्योंकि इस पे सारे अप्लाइंसेस आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। घर पूरा अच्छी तरीके से रेनोवेट किया गया है, पीछे एक ट्रायल जाती है, पार्क सारा लाइक एवरीथिंग है यहाँ पे, मॉल पार्क यहाँ पे, मॉल भी जस्ट लाइक 5-10 मिनट वॉक पे है, टर्मिनल बस टर्मिनल गो लाइक ट्रेन का भी है, तो सभी चीजें बहुत ही नजदीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये घर पसंद आया होगा व्लॉग में। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो सारा कुछ लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। सीधा हमारे रियल स्टेट जो रियल्टर है उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ये घर खरीदना चाहते हैं। जैसे ये मेरा पहला घर था कनाडा में, तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे रेनोवेट किया है, पूरा दिल लगा के मेहनत करके। आई थिंक मोर देन 2 मंथ इन्होंने और सिग्निफिकेंटली चेंज देख सकते हैं। अगर आपने पहले वाला घर का व्लॉग देखा हो, जो पहले वाले घर की आप पिक्चर्स निकाल के देख सकते हैं इंटरनेट पे, अब ये सारा ऐसे बिल्कुल नया लग रहा है घर। मुझे पहले भी बहुत अच्छा लगता था, पर अब रेनोवेशन के बाद तो जमीन आसमान का ही लाइक डिफरेंस है। चलो ये भी खत्म हो गया, व्लॉग भी खत्म हो गया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है हमारा घर, अच्छा लगा, तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको घर में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल, रब राखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।